प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मई महीने में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के जरिए मध्यम और लघु उद्योगों के लिए आपात ऋण गारंटी योजना शुरू की थी। अब इस योजना की अवधि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल ने अवधि बढ़ाए जाने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने जो गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन और ECLGCS स्कीम के तहत जो 3 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा की थी, 29 फरवरी को जितना आउटस्टैंडिंग था उसका 20% बैंक एडिशनल लोन सबको दे रही थी। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम था और इसके कारण काफ़ी लोगों को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को काफ़ी लोगों ने इसका बेनिफिट भी रहा। इस एमरजेंसी टाइम के अंदर सरकार के द्वारा दिया गया सहयोग ये काफ़ी श्रेष्ठ रहा और इसकी जो भी 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी उसको सरकार ने बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया और ये 30 नवंबर तक बढ़ाने से मुझे लगता है इसका और बेनिफिट्स माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को रहेगा। जो एमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम चल रही है जो कि 31 अक्टूबर 2020 तक थी, इसको केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत 2 लाख करोड़ का ऋण वितरित किया जा सका है और आगे भी 30 नवंबर तक 3 लाख करोड़ का लक्ष्य है जो पूरा करने के लिए सरकार ने 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाई है। जो ऋणी जिनका खाता नियमित था उसका 20% अतिरिक्त ऋण दिया जा रहा है। इसके लिए न कोई कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत है, न अन्य दस्तावेजों की जरूरत है, सिर्फ उनके आवेदन फॉर्म पर ही हम इनको ऋण वितरण कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी ECLGCS जो पेमेंट किया है 20% का, उससे हमें बहुत फायदा हुआ है बिजनेस में सुचारू रूप से चलाने में। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और उसके साथ में SBI का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ।